प्रेजेंटेड बाय हिमालय ग्रीन टी तुलसी। सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय ग्रीन टी। हिमालय ग्रीन टी तुलसी आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है, साथ ही ये इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है। आदित्य 28 साल के हैं, दिल्ली में रहते हैं। अब ठंड के मौसम में उन्हें हर साल ही सर्दी, खांसी, जुकाम ये होता ही रहता है बाकी लोगों की तरह, इसलिए वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। घर पर दवा खाकर आराम मिल जाता था, इसलिए उन्होंने कभी भी किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। पिछली सर्दियों में उनका गला फिर खराब हुआ, पर उसके साथ साथ कुछ और लक्षण भी दिखने लगे, जैसे बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द, कुछ भी खाने या फिर पीने में दर्द होता था। अब हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने सोचा कि ये गले का दर्द कुछ ठंडा खाने या पीने से हुआ होगा, जैसे हर सर्दी में होता था। पर इस बार उन्हें अपनी दवाइयों से और घरेलू नुस्खों से कोई आराम नहीं मिला। डॉक्टर को दिखाया, पता चला उन्हें स्ट्रेप थ्रोट है, यानी गले में होने वाला इन्फेक्शन, जो ठंड में बहुत ही आम है, बहुत ही कॉमन है। डॉक्टर ने आदित्य को यह भी बताया कि अगर वो इलाज में और देर करते तो इसका असर उनकी किडनियों तक पड़ सकता था। अब यह सुनकर वो काफी डर गए, क्योंकि गले में दर्द, खराश, खासतौर पर ठंड के मौसम में होना, इसे हम बहुत लाइटली लेते हैं। ठंड में तो सर्दी जुकाम होता ही है, ये सोचकर हम डॉक्टर को नहीं दिखाते। इसलिए आदित्य चाहते हैं कि हम स्ट्रेप थ्रोट पर एक एपिसोड बनाएं। ये क्या होता है, क्यों होता है, ठंड के मौसम में इतना ज्यादा आम क्यों है, इसके लक्षण क्या है, बचाव क्या है, इलाज के बारे में डॉक्टर से बात करके बताएं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्ट्रेप थ्रोट क्या है और इसे गला खराब है महज ये बात समझ करके इग्नोर क्यों नहीं करना चाहिए। एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम कहते हैं ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, और इस बैक्टीरिया का गले में जो इन्फेक्शन होता है उसी को हम कहते हैं स्ट्रेप थ्रोट या स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन। तो ये स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन जो है ये गले का इन्फेक्शन है, जिसे स्ट्रेप थ्रोट के नाम से भी कॉमन भाषा में जाना जाता है। क्योंकि ठंड के मौसम में खांसना, छींकना, सर्दी, जुकाम के एपिसोड्स लोगों में ज्यादा होते हैं ठंड हवाओं की वजह से, ठंड के वजह से, इसलिए ये गले से फैलने वाला इन्फेक्शन है जो कि खांसी, सर्दी, छींक से फैलता है या कॉमन सामान यूज करने से, कॉमन टॉवल, कॉमन ब्रश यूज करने से फैलता है। इसलिए ठंड के मौसम में स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन या स्ट्रेप थ्रोट के केसेस बढ़ जाते हैं। एक और कारण होता है ठंड में इनके ज्यादा होने का, वो ये होता है कि ठंड के दिनों में हम लोग बंद कमरों में, बंद जगहों पर रहते हैं, और इन बंद जगहों में, बंद कमरों में रहने की वजह से, बाहर ज्यादा ना निकलने की वजह से लोग पास पास रहते हैं, और इसलिए ये खांसने छींकने से ज्यादा तेजी से फैलता है, इसलिए इसके एपिसोड्स ठंड के दिनों में ज्यादा होते हैं। इसमें एक तो गले में दर्द, टॉन्सिल्स का बड़ा हो जाना, तेज बुखार आना, थोड़ा सा उल्टी जैसा लगना, कुछ भी खाने पीने में गले में दर्द होना, सरदर्द होना, गले की जो साइड में लिम्फ नोड्स होती हैं इनका बड़ा हो जाना, या फिर शरीर में दाने निकल आना, और एक जनरल डिस्कम्फर्ट या बॉडी एक भी इसमें रहता है। कभी कभी इसका ठीक से इलाज ना किया जाए या प्रॉपर इस पे ध्यान ना दिया जाए तो फिर आगे चल के ये रूमेटिक हार्ट डिजीज या किडनी के प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है, इसलिए इसका सही टाइम पे इलाज कराना जरूरी होता है। इसके लिए दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक को कहते हैं रैपिड थ्रोट स्वैब टेस्ट, जिसमें डॉक्टर अपने क्लिनिक पे ही आपके थ्रोट में एक टेस्ट करके, थ्रोट से स्वैब लेके एक टेस्ट करके देखते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि ये स्ट्रेप थ्रोट हो सकता है। दूसरा, इसका कंफर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए थ्रोट कल्चर किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो इन्फेक्शन है ये स्ट्रेप थ्रोट का इन्फेक्शन ही है, ना कि कोई वायरल सोर थ्रोट। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इन्फेक्शन के प्रिवेंशन के लिए, वो होता है पर्सनल हाइजीन। तो साफ सफाई का ध्यान रखें एक चीज, हैंड वॉश प्रॉपर और टाइम टाइम पे करते रहें। दूसरा, अगर आपको स्ट्रेप थ्रोट के सिम्टम्स हैं तो अपने आप को जब तक एंटीबायोटिक का 48 आवर्स का ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीट ना हो जाए तब तक के लिए दूसरे लोगों से आइसोलेट कर लें। अपने खाने के बर्तन दूसरे लोगों के साथ शेयर ना करें। ठीक होने के बाद बच्चे का टूथब्रश जरूर चेंज कर दें। तो खांसते छींकते समय एक पेपर का यूज करें, हैंडकरचीफ का यूज करें, या फिर अपने
जो स्लीव होती है उसमें स्नीज या कफ करें, लाइक दिस, इस तरह से, ना कि ऐसे। स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट बहुत आसान है। जब भी आपको स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन के या स्ट्रेप थ्रोट के सिम्टम्स हो, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। खासकर अगर बुखार 102 से ज्यादा हो, खाने पीने में दर्द हो रहा हो, गले में टॉन्सिल्स बढ़े हुए दिख रहे हों या टॉन्सिल्स पे वाइट जैसे स्पॉट्स दिख रहे हों। इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है एंटीबायोटिक जो आपको दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, उसका ड्यूरेशन। आपके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा जो दिया जाने वाला एंटीबायोटिक है उसका ड्यूरेशन थेरेपी का कम से कम 10 से 14 दिन का होता है। और इसमें पूरा ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधूरा ट्रीटमेंट छोड़ने पर आगे चलकर जो इसके हार्ट के कॉम्प्लिकेशन हैं, जिसे रूमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं, वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जब भी आपके डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करें स्ट्रेप थ्रोट के लिए, तो आप उसका पूरा कोर्स 10-14 डेज का कंप्लीट करें। आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी, एक बात तो साफ हो गई होगी, अगर आपको स्ट्रेप थ्रोट का इन्फेक्शन है और डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक दवाइयां दी हैं, तो इसका पूरा कोर्स करना बेहद जरूरी है। अक्सर क्या होता है कि आपने 2-5 दिन दवा खा ली, गला बेहतर लगने लगा, आपने दवा खाना छोड़ दी, पूरा कोर्स जो कि जनरली 14 दिन का होता है वो नहीं किया। अब ऐसा हरगिज ना करें, क्योंकि अगली बार वो दवा आपको असर नहीं करेगी, साथ ही हेल्थ पर असर पड़ेगा, सो अलग, इसलिए ध्यान रखिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, जानते हैं साइनस और सिर दर्द में क्या फर्क होता है, हमारे अगले सेगमेंट तन की बात में। साइनस हमारी नाक के दोनों तरफ बोन के अंदर खाली जगह होती है। अब ये नाक के ऊपर और आंखों के ऊपर भी होता है। अगर इस साइनस में इन्फेक्शन हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए या फिर इनके अंदर सूजन आ जाए, तो इसे साइनोसाइटिस कहते हैं। कई बार लोग पहचान नहीं कर पाते कि उन्हें साइनस वाला दर्द हो रहा है यानी साइनोसाइटिस है, या फिर महज सिर में दर्द हो रहा है। साइनोसाइटिस के बारे में हमें और जानकारी दी डॉक्टर राजीव कुमार ने। साइनोसाइटिस होने के पीछे कुछ कारण जिम्मेदार होते हैं। पहला, इन्फेक्शन, जैसे वायरस या फिर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन। नाक की हड्डी टेढ़ी होना, नाक के अंदर सूजन आना, जैसे पॉलिप्स में बार बार साइनस होता है। अब जिन लोगों को एलर्जी ज्यादा होती है, छींकें बार बार आती हैं, नाक से पानी बहता है, मौसम बदलने के दौरान या फिर प्रदूषण डस्ट के संपर्क में आने से नाक में बार बार इन्फेक्शन होता है, ऐसे लोगों में साइनस की बीमारी ज्यादा हो सकती है। अब जान लीजिए इसके कुछ लक्षण जो इसे नॉर्मल सिर दर्द से अलग करते हैं, जैसे चेहरे पर सूजन आना, चेहरे पर प्रेशर और दर्द होना। अगर फ्रंटल साइनस है तो दोनों आंखों के ऊपर दर्द होगा। अगर इथमोडल साइनस है तो आंखों के बीच में दर्द होता है। अगर नाक की हड्डी के दोनों तरफ दर्द है तो आपको एस्पोनाइडल साइनस हो सकता है। गालों में दर्द या फिर सूजन है तो मैक्सिलरी साइनस है। इन्फेक्शन के कारण हुए साइनस में 10 दिन कम से कम एंटीबायोटिक दी जाती है, एंटी एलर्जी मेडिसिन दी जाती है, मेडिकेटेड ड्रॉप्स भी दी जाती हैं, स्प्रे दिए जाते हैं जो नाक के अंदर डाले जाते हैं। अगर साइनस होने के पीछे कोई सर्जिकल कारण है तो आपको सर्जरी करवाने को भी कहा जा सकता है, समझे। अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, तन की बात, यानी एक झकासी हेल्थ टिप, जानिए खाने में कलौंजी डालने के फायदे। कलौंजी गहरे काले रंग के छोटे छोटे बीज होते हैं, जिनका इस्तेमाल सब्जी, सलाद, पराठे, पुलाव और अचार वगैरह में किया जाता है। इनके फायदों के बारे में हमें बताया डॉक्टर विभूषा ने। बहुत से लोग कलौंजी का तेल बनाकर बालों को काला करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इसे स्क्रब की तरह इस्तेमाल करते हैं, पर सबसे ज्यादा फायदा कलौंजी को कूट कर इसका पानी पीने से या फिर दूध में मिलाकर पीने से होता है। बात अगर कलौंजी के दूध की करें तो ये शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद है। कलौंजी वाला दूध पीने से जहां एक ओर वजन कम करने में मदद मिलती है, वहीं इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी मदद करता है। डाइटिशियन विभूषा कहती है कि कलौंजी का दूध पीने से इंसान का मेटाबॉलिज्म भी स्ट्रांग होता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।